शिवानी ने अपने फैंस से बोला बहुत बड़ा झूठ। मैनेजर अभिषेक के खुलासे से सोशल मीडिया पर मचा हाहाकार। सफाई देने खुद शिवानी को आना पड़ा सामने। शिवानी को लेकर एक बहुत बड़ी अफवाह सोशल मीडिया पर हुई वायरल। फैंस को भी नहीं लगा सच्चाई का पता। जब शिवानी ने बताया सच तो लोगों के उड़े होश। आप भी हैं शिवानी के फैंस तो आपको जरूर पता होनी चाहिए शिवानी की ये सच्चाई। हाल ही में तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वीडियो। बिग बॉस OTT सीजन 3 प्रतियोगी शिवानी कुमारी ने अनिल कपूर के होस्ट किए जाने वाले रियलिटी शो में अपनी भावनात्मक बैक स्टोरी से बहुत से लोगों को प्रभावित किया। अपने एलिमिनेशन के बाद शिवानी ने बताया था कि कैसे उन्हें शो में भेदभाव का सामना करना पड़ा था। हालांकि रविवार को एक ऐसी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसे देखने के बाद हर कोई हैरान हो गया और शिवानी के फैंस ने बस यही कहा कि क्या शिवानी के संघर्षों की कहानी एक मनगढ़ंत कहानी है। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में यानी कि रविवार को जब कंटेंट क्रिएटर शिवानी की 13 लाख रुपए की कार खरीदते हुए तस्वीर ऑनलाइन सामने आई तो कई प्रशंसकों ने सोचा कि क्या शिवानी जो अपने संघर्षों की कहानी सुनाती है वो सिर्फ एक महज मनगढ़ंत कहानी है। और लोगों ने यही कहा कि शिवानी ने बिग बॉस के पैसों को अपना भौकाल बनाने में ही खर्च कर दिया। हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर के उनके मैनेजर और करीबी अभिषेक का बहुत बड़ा खुलासा सामने आया है। यहां तक कि खुद शिवानी ने इसके बारे में लोगों के सामने आके सारी सच्चाई बता दी है। तो क्या है पूरी खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि फटाफट से इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि ये जानकारी शिवानी के हर फैंस तक जरूर पहुंचे ताकि उनके भी मन में शिवानी को लेकर के जो प्यार है वो कम ना हो सके। दरअसल उनके मैनेजर अभिषेक ने कार लेते हुए शिवानी की वायरल तस्वीरों के बारे में कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए हैं और ये भी खुलासा किया है कि न केवल शिवानी बल्कि बिग बॉस OTT3 के सभी सदस्य भी इस घटना से पीड़ित हैं। जी हाँ, एक सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ है कि बिग बॉस OTT सीजन 3 के प्रतियोगियों को अभी तक बिग बॉस की तरफ से उनके फीस का भुगतान नहीं किया गया है। इसके अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा खुलासा है वो ये है कि जिस कार के साथ शिवानी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है उस कार को शिवानी ने नहीं बल्कि उनके मैनेजर अभिषेक ने खरीदी है। कंटेंट क्रिएटर यानी कि शिवानी का उनकी मां के साथ 13 लाख रुपए की कार के पास पहुंच देना महज एक पब्लिसिटी स्टंट है। जी हां, अभिषेक ने बताया कि शिवानी ने नहीं बल्कि उन्होंने ही वो शानदार कार खरीदी है। अभिषेक ने खुलासा किया कि शिवानी को अभी तक बिग बॉस के निर्माताओं से अपना भुगतान नहीं मिला है। इस पूरे मामले के बाद शिवानी ने खुद सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह बताया कि वाकई में ये कार उनकी नहीं बल्कि उनके मैनेजर अभिषेक की है और उन्होंने इस बात का भी खुलासा किया कि बिग बॉस की तरफ से अभी उनकी पेमेंट नहीं हुई है और जब उन्हें बिग बॉस से पैसा मिलेगा तो फिर वो उन पैसों को गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए खर्च करने वाली है। अभिषेक ने बताया कि टीम ने इनवॉइस में कुछ गलतियां की हैं जिसके कारण सभी प्रतियोगियों को अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। शिवानी कुमारी के मैनेजर ने भी ये बात साफ की। शिवानी बिग बॉस से मिलने वाले पैसों को लड़कियों को शिक्षित करने के लिए उपयोग करने वाली हैं। वेल दोस्तों, शिवानी के इस सपने को लेकर के कि बिग बॉस के पैसे से वो गरीब लड़कियों को पढ़ाएंगी, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।